हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एसक्यूलाइट का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज, और दोनों को किस तरीके से यूज करते हैं ये हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे वेबसाइट learnfromrakesh.com को भी एक्सेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज को समझाने से पहले मैंने एक टेबल जो है बना रखा है, ईएमपी टेबल आप देख सकते हैं, और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो टोटल यहां पर 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ग्रुप बाय का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ग्रुप बाय कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप बाय क्लॉज जो है क्या करता है कि जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाय लगाएंगे वो पूरा का पूरा जो आपका रिकॉर्ड है उस कॉलम के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आप कोई भी जो है क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर जितने भी हैं उनका टोटल सैलरी क्या है, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं उनका टोटल सैलरी क्या है, या फिर जितने भी सुपरवाइजर हैं उनके टोटल सैलरी क्या है, या फिर हो सकता है कि आप देखना चाहते हैं कि कितने एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, कितने असिस्टेंट मैनेजर हैं, कितने सीनियर मैनेजर हैं, कितने सुपरवाइजर हैं। तो ये कैसे आप देखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डेजिनेशन वाइज आपको ग्रुप करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सिलेक्ट, और उसके बाद मैं लिखता हूं डेजिनेशन कोमा, यहां पर फिर मैं लिखता हूं काउंट ऑफ डेजिनेशन, ठीक है, और फ्रॉम किस टेबल से, टेस्ट डॉट ईएमपी टेबल से। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखता हूं ग्रुप बाय डेजिनेशन। तो यहां पर मैं डेजिनेशन के बेसिस पे ग्रुप कर देता हूं। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी रिकॉर्ड्स है उसको डेजिनेशन वाइज ग्रुपिंग कर दिया जाएगा, और फिर उसको काउंट करके यहां पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मैं यहां पर एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है, असिस्टेंट मैनेजर 2 लोग हैं, काउंसलर 1 है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर 2 है, मैनेजर 1 है, सीनियर मैनेजर 1 है, और सुपरवाइजर 2 है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पहले क्या किया कि आपके पूरे रिकॉर्ड को डेजिनेशन के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दिया, मतलब जितने कॉमन डेजिनेशन है उसको लेके ग्रुप कर दिया, और फिर फाइनली जो है उनको काउंट करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है काउंट ऑफ डेजिनेशन। यहां पर ग्रुप बाय क्लोज में जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो काफी आपका अच्छा वर्क करता है। उसके बाद सपोज दैट कि आप देखना चाहते हैं कि डेजिनेशन वाइज टोटल सैलरी कितने हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के टोटल सैलरी कितने हैं, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं 2 है 4 है उनका सैलरी मिला के कितना है। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, लिखता हूं सिलेक्ट, उसके बाद डेजिनेशन, फिर सम ऑफ सैलरी, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सैलरी को सम कर रहा हूं, फ्रॉम टेस्ट डॉट ईएमपी, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं ग्रुप बाय डेजिनेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले डेजिनेशन वाइज ग्रुप कर देगा, फिर उनकी सैलरी का सम दिखा देगा। तो यहां पर देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी जो है वो 1,20,000 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक से ज्यादा असिस्टेंट मैनेजर होंगे, जैसे यहाँ असिस्टेंट मैनेजर है इनकी 60,000 सैलरी है, और ये असिस्टेंट मैनेजर है इनकी 60,000 सैलरी, तो दोनों मिला के 1,20,000 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही काउंसलर है उसकी सैलरी 40,000 है, तो यहाँ पर काउंसलर का 40,000 दिखा रहा है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर का 1,70,000 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर का 90,000 सैलरी है, और उसके बाद दूसरे एग्जीक्यूटिव मैनेजर का 80,000 सैलरी है। तो इस तरह से 1,70,000, तो इस तरह से क्या है कि डेजिनेशन वाइज ये आपके सैलरी को सम करके दिखा रहा है। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि बोल सकते हैं कि सर यहां पर ये तो सारे डेजिनेशन का दिखा रहे हैं, अगर यहां पर मुझे एक पर्टिकुलर डेजिनेशन का देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा हैविंग क्लॉज, उसी के लिए बना हुआ हैविंग क्लॉज, ठीक है। हैविंग में क्या करना होगा, जैसे वेयर में आप कंडीशन लगाते हैं सिमिलरली आपको हैविंग में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हैविंग के बाद आप क्या लिख सकते हैं, डेजिनेशन इक्वल टू, और
डबल कोस्ट में आप लिख दीजिए मैनेजर, मतलब आप तो मैनेजर्स के टोटल सैलरी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनेजर का 40,000 दिखा रहा है और पहले भी मैनेजर का 40,000 था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर सपोज दैट आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर का देखना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव और उसके बाद यहाँ पर मैनेजर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एग्जीक्यूटिव मैनेजर का 1,70,000 दिया। तो यहाँ पर ग्रुप बाई और हैबिंग का एक पेयर है कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ कंडीशंस डालना चाहते हैं तो फिर आपको हैबिंग क्लाउज लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वेयर क्लाउज नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो ग्रुप बाई के साथ वेयर क्लाउज लगाते हैं, सो वो सोचते हैं कि यहाँ पर कंडीशन ही तो चेक करना है और वो लगा देते हैं वेयर क्लाउज। हाँ, वेयर क्लाउज भी कंडीशन चेक करता है और हैबिंग क्लाउज भी कंडीशन चेक करता है, पर वेयर कंडीशन हम लगाते हैं नॉर्मल केस में, जबकि अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम लगाते हैं हैविंग क्लोज। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ग्रुप बाय क्लोज और हैविंग क्लोज कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बैल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।